क्या आप अपने पूर्वजों के नाम के बारे में जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि आपकी कई पीढ़ियों का रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित है? अगर नहीं तो एक बार हरिद्वार जाइए और वहां अपने पारिवारिक पुरोहित से संपर्क कीजिए, जहां आपको आपके पूर्वजों की पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। अपनी दिल्ली ने ऐसे ही एक पुरोहित से संपर्क किया और जाना कि उनके पास यह सब जानकारी कैसे सुरक्षित रहती है और इसका क्या लाभ हो सक्था है। मेरा नाम प्रणव है, मैं पंडित मक्खन चक्खन वैद्य राम मूर्ति जी का पोतरा हूँ। हिमाचल जसवा रियासत का इलाका मेरे पास है, वहाँ के 750 गांव लगभग, वहाँ की ब्रुताई मैं देखता हूँ। वहाँ के अंब के राजा हुए, जिनका राजपुरे में महल है, उनके राजपूत जसवाल हुए, जिनके नाम से रियासत का नाम पड़ा जसवा। उस रियासत की ब्रुताई हम देखते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आजकल की जनरेशन को भ्रम पैदा हुआ है कि हरिद्वार आने से, हरिद्वार आएंगे, पंडित जी मिलेंगे, वो हमारे साथ क्या करेंगे, क्या मांगेंगे, क्या देना पड़ेगा, कुछ लोग खर्चे से बच के कि भाई खर्चा ज़्यादा होगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अपने पुरोहित से संपर्क करें, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, कि जो भी व्यक्ति है हरिद्वार आए और अपनी जो पारंपरिक संस्कार हैं उनको पूर्ण रूप से निभाए, अपने पूर्वजों का नाम इसमें एंटर कराए। जिस कार्य के लिए हरिद्वार आया, कोई गंगा पूजन करने के लिए आया, कोई अस्थि प्रवाह करने के लिए आया, कोई पितृ तर्पण श्राद्ध करने के लिए आया, कोई अपनी बेटी को विवाह से पहले स्नान कराने के लिए आया, वो आए और अपनी बही में एंट्री कराए। ये रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर है, ये हम लोग साक्षी हैं इस चीज़ का कि ये लोग आए थे। और ये 200 250 300 वर्ष तक का रिकॉर्ड हमने संभाला हुआ है। और वो लोग आते हैं, हर की पौड़ी आते हैं, घाट के किसी अन्य ब्राह्मण से पूजा पाठ कार्य कराते हैं और चले जाते हैं, अपने पुरोहित को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। और वो लोग उनसे लूट खसोट का काम करते हैं, वो लोग मैसेज गलत पहुंचाते हैं कि वहाँ हरिद्वार में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उस व्यक्ति का कोई ना तो परमानेंट एड्रेस है, ना तो वो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको देगा, ना उसका कोई एड्रेस तो है ही नहीं उसके पास कोई अपना परमानेंट देने के लिए। ये वो लोग मिसगाइडेंस करते हैं, उस चक्कर में हम लोगों का नाम खराब होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों को आप बताएं कि अपने पुरोहित को ढूंढें। अगर किसी की यहाँ जेब कट जाती है हरिद्वार में, तो उसका काम जो आएगा उसके पुरोहित ही आएंगे, वो घाट का ब्राह्मण नहीं आएगा। वो तो बाद में कहेगा मैं तो जानता भी नहीं हूँ आपको, ये है। और जो ये रिकॉर्ड है स्पिरिचुअलिटी, इसकी ये है कि आप लोग जो किसी के फादर गुजरे हैं, उसके ग्रैंड फादर, उनके पिता, उनके फादर, उन सब में उनका नाम लिखाया जाए कि भाई हमारे पिता गुजर गए हैं, उनके बाबा पड़बाबा में उनका नाम मिला दिया गया, ये तो इसकी स्पिरिचुअलिटी है। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट वैलिड है रिकॉर्ड्स हमारे। अगर किसी का कोई प्रॉपर्टी का मामला है वो यहीं से सॉल्व होगा। अब आप 6 पीढ़ी ऊपर वल्दियत कहाँ से खोलेंगे, कहाँ से डेथ सर्टिफिकेट लाएंगे? तो यहाँ उनके पिता ऐसे करके ये वल्दियत यहाँ से खुलेगी, हम गवाही देंगे तो उनका प्रॉपर्टी का मामला सॉल्व होगा। तो ये इसके ये काम है और क्या। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर हम अपने पुरोहित के पास जाएंगे तो वो दान दक्षिणा के नाम पर मतलब भ्रमित करके या डरा के उससे 5100 रुपये, 11000 ये वो हम, तो उसमें मतलब क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जिजमान से पूछते हैं, आपकी अगर सामर्थ्य है तो आप दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, गंगा जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आज जिजमान की सामर्थ्य नहीं है देने की, आने वाले 10 वर्षों में 15 वर्षों में उसको गंगा जी खूब तरक्की दे, वो बाद में देगा। हम प्रेशराइज नहीं करेंगे कि तू और दक्षिणा दे, ऐसा नहीं है। तो जो ये बही खाते में आप नाम पता लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो इसकी कोई आपने फीस तय की हुई है या कोई अपनी फीस नहीं है? हमारे पास तो 1 रुपया दक्षिणा देने वाले जिजमान भी आते हैं, 1 लाख दक्षिणा देने वाले भी जिजमान आते हैं। तो ऐसा कभी मामला हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का, जैसे आपने कहा कि कई प्रॉपर्टी के मामले ऐसे हुए जिसमें वल्दियत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको वैलिड माना गया है? हाँ जी। और आपको गवाही देनी? ऐसे बहुत मामले हैं हमारे यहाँ ही हैं, शिमला में बहुत जिजमान है हमारे, तो किसी का सेब के बाग का मुकदमा है, कोई 28-30 साल से मुकदमे चल रहे हैं, उनके समन आज तक आ जाते हैं हमारे पास। जैसे किसी ने एक बेटी गोद ली थी, तो वो रिकॉर्ड लिखा करके गए और उन्होंने कहा कि ये गोद ली हुई बेटी हमारे साथ आई है, तो
अब वो लोग गुजर गए, अब बेटी रह गई, वो अब उस प्रॉपर्टी के और हकदार भी आ गए, तो उन्होंने यहाँ वहाँ प्रूफ दिया कि वहाँ बही में लिखा है गोद ली हुई बेटी हरिद्वार गई थी साथ में, उस आधार पे केस चला शिमला हाईकोर्ट में, आज तक चल रहा है। तो ऐसे बहुत है, बहुत किस्से हैं। कभी कभार कमीशन यहीं आ जाता है, जज भी आएंगे, कोई बड़ा मामला होगा तो दोनों पक्षों के वकील भी आएंगे, यहीं आकर के देखते हैं रिकॉर्ड आकर के। तो इस बही खाते में किसी बुजुर्ग की या घर के सदस्य की मृत्यु होने की ही डिटेल डाली जाती है, या जैसे हम लोग आए हैं तो उसकी भी इसमें डाली जाती है, जब हम नहाने के लिए आए? डिटेल अटेंडेंस तो हर चीज की लगेगी। अच्छा, कोई खुशी का स्नान करने आया, किसी भी कार्य से हरिद्वार आया, कोई मुंडन कराने आया बच्चे का, कोई यज्ञोपवीत संस्कार कराने आया, उस सब की एंट्री होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।